हम लोगों का क्वेश्चन है एग्जांपल 9 का कि अगर n कोई भी एक ऑड इंटीजर दिया हुआ हो तो हमें यह दिखाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। हम लोग इसमें लॉजिक यह लगाएंगे कि क्योंकि हमें यहाँ पर 8 से डिविजिबल दिखाना है ना, तो 8 से डिविजिबल अगर दिखाना है तो हम लोग किसी भी नंबर को 8 इंटू समथिंग तो फॉर्म में लिखेंगे, है ना, क्योंकि 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में अगर वो नंबर आ जाएगा तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो n क्या है, तो n दिया हुआ है कि एक ऑड इंटीजर है ना, तो ऑड इंटीजर होने के कारण n को या तो हम मान सकते हैं 2m+1 या n को मान सकते हैं 4m+1 या इसको मान सकते हैं 6m+1, समझे। तो क्योंकि हमारा कंप्लीट नंबर है n²-1, है ना, तो n² को चेक कीजिए, जब n को आप इतना मान रहे हो तो इससे n² अगर हम करते हैं तो पहला लेटर का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 4m², इसमें क्या आ जाएगा 16m², इसमें क्या आ जाएगा 36m², है ना। और क्योंकि लॉजिक ये था हमें इसमें से 8 कॉमन लेके दिखाना है ना, तो इसमें से 8 कॉमन नहीं हो सकता है, इसमें से 8 कॉमन हो सकता है, इसमें से 8 कॉमन नहीं हो सकता है। यही कारण है कि ऑड नंबर के लिए हम लोगों का ये विकल्प सबसे बेहतर है, और इसलिए जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो n को मान लेंगे 4m+1 क्योंकि n एक ऑड नंबर है। अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है n²-1 उसको लिखेंगे और n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वन करेंगे, तो आएगा 16m² प्लस, जैसे ये हो गया a², ये हो गया b², और ये क्या हो गया 2ab, है ना, और ये माइनस वन, वन से वन कैंसिल होकर के आ जाएगा 16m² प्लस 8m, और इन दोनों में से हम 8 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2m² प्लस m। अब देखो क्योंकि यह जो नंबर है 8 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह नंबर 8 से डिविजिबल है और ये साबित हुआ।